सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। इस महीने में श्रद्धालु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार से अभिषेक करते हैं। भगवान की भक्ति में लीन श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं। भोलेनाथ का 108 नाम से पूजा की जाती है, जैसे शिव, महेश्वर, शंभू, पिनाकी, शशि शेखर, वामदेव, विरूपाक्ष, कपर्ती आदि। वही श्रद्धालु सावन के महीने में रुद्राभिषेक करते हैं, जिसका महत्व रोग को दूर करने तथा सुख शांति के लिए किया जाता है। भोलेनाथ का सहस्र नाम है, 108 नाम है, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यांग महाकाल मोकार मलेश्वरम, 12 नाम है। रुद्राभिषेक रोग दोष सुख शांति के लिए ही रुद्राभिषेक किया जाता है। पहला सोमवारी में भीड़ 10,000 का भीड़ था, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और दर्शनार्थियों के लिए बहुत ही विशेष सुविधा हम लोग दिए हुए हैं। दर्शनार्थियों की किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसके लिए हम लोग 100 वॉलंटियर रखे हुए हैं। सावन का महीना सुहागिनों के लिए काफी महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस महीने में सुहागिनों के द्वारा अपने पति के लिए कई तरह के श्रृंगार किए जाते हैं, जिसमें खास तौर पर मेहंदी, हरी चूड़ियां, हरी साड़ियां आदि के पहनावा किया जाता है, ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो सके। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है, जिसका हम लोगों को सालों से इंतजार रहता है। हम लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब सावन आए और हम भोले बाबा जी का दर्शन करें। वैसे तो हम हमेशा ही इनका दर्शन करते हैं, लेकिन ये पाक महीना विशेषकर सावन उनके लिए है। और इस सावन पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना या फल जो भी चढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं से खुश रहते हैं क्योंकि महिलाएँ उनका भक्ति करती है, इतना हरी चूड़ियाँ पहन के नहीं मतलब पूरे सज सवर के भगवान का पूरा दिल से आशीर्वाद लेती हैं, उनका पूजा पाठ करती हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न रहते हैं उनसे। सावन में हर शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और हर कोई अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगा है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मंटू के साथ रानी गुप्ता की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।